शुक्रिया एडवोकेट साहब। सबसे पहले बगैर किसी ताखीर के हम आपसे कुछ सवाल जो बहुत सारे मुझे भी मशगूल हुए और साहबजादे आपको भी मशगूल हुए होंगे उनकी तरफ चलते हैं। फैमिली जो परमिट है ये क्या है, और जो लोग इटली से यूके जाना चाहते हैं वो कैसे जाएं, और इसके साथ एक एक्सटेंड फैमिली परमिट है, यानी अगर किसी फैमिली में बीवी बच्चों या शोहर के अलावा उसके दूसरे रिश्तेदार यानी बहन भाई वालदेन उसके वालदा जो इटालियन पासपोर्ट रिश्तेदार यूके में मौजूद हैं या इधर उनके पास पासपोर्ट है तो वो कैसे यूके शिफ्ट हो सकते हैं। पहले क्या कोई अगर उनका बंदा ऑलरेडी यूके जा चुका है इधर से इटली से मूव हुआ है तो ये जो उसके रिश्तेदार हैं और ये वहां पर कैसे उनको बुला सकता है, कैसे मूव हो सकते हैं। ये दो सवाल शायद मैंने मिक्स कर दिए हैं, एक जिसके जी बीवी रहती है और एक जिनके बहन भाई और वाले हैं। जी एडवोकेट साहब। जी ये दो यकीनी तौर पे दो अलग सवाल हैं। सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने प्रोग्राम सुना वो उनसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को भी सुन के नीचे कमेंट भी दें कि जिन्होंने मुझसे रब्ता किया कि उनका फीडबैक कैसा रहा, मैंने उनके जवाब तसली बख्श जवाब दिया या नहीं दिया। दूसरी बात ये है कि हमसे कुछ एक गलतफहमी हो गई पिछले प्रोग्राम में। मैं जिसको पीआर कहता हूँ, ईयू कार्ड, जिसकी वजह से आप बगैर पासपोर्ट के ट्रैवल कर सकते हैं, सबसे पहले मैं उस गलतफहमी को दूर करना चाह रहा हूँ। ईयू में एक कार्ड होता है, उसको आपका ये जो डी कार्डा सजोर्नो है ये वो कार्ड नहीं है, ये नेशनल कार्ड है। और एक कार्ड होता है जिसको ईयू जिसको यूसी लिखा जाता है जिसके ऊपर, और वो उन लोगों को मिलता है जिनके मियाँ या बीवी, उनके पास इटालिया का पासपोर्ट था, अब वो उन्होंने काम शुरू कर दिया जर्मनी फ्रांस में और वहां पे उन्होंने अपनी सेटलमेंट कर ली। तो ये जो बीवी पीछे रह जाते हैं इटालिया में लोग, ये यूसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और इस कार्ड पे वो ट्रैवल भी कर सकते हैं इस वक्त तक। अंडर आर्टिकल 10 और 20 ये डायरेक्टिव का हिस्सा है जो यूके के रेगुलेशन 2016 में है। अब जो हमारा इशू ये चूंकि बना, तो दी कार्ता सजोरो जो आपकी है ये नेशनल है, इस पे बगैर वीजे के वो ट्रैवल नहीं कर सकते। अब अगर मियाँ या बीवी किसी एक के पास इटालियन पासपोर्ट है और दूसरे बंदे के पास नहीं है और वो कहते हैं कि हम कैसे यूके जाएं, तो उसका रास्ता है फैमिली परमिट। अगर मियाँ के पास है तो बीवी उनके साथ जा सकती है, लेकिन फैमिली परमिट वीजा अप्लाई करके। अब सूरत हाल जो जो एक्चुअल प्रैक्टिस है उसमें ये है कि आप यहाँ से अप्लाई करेंगे अपने फैमिली मेंबर के बिहाफ पे, मिलान में हो या किसी भी इटालिया में जहाँ पे भी सेंटर है वहां पे आप अप्लाई करेंगे। वो टीएसएल उनका जो दिया हुआ कंपनी है, जिस तरह जेरी फेडिक्स है इसी तरह यहाँ पे यूके ने कंपनी दी है टीएसएल, जिसके जरिए आप जमा करवाते हैं, आई थिंक सो। उसमें फैमिली परमिट की एप्लीकेशन होगी, वो 3 महीने से 6 महीने का अवार्ड होगा, वो स्टिकर होगा और आपको उसके जरिए फैमिली मेंबर के साथ आप जा सकते हैं। अब इसमें एक और जो टेक्निकल पॉइंट इस वक्त है वो ये है कि कोविड की वजह से चूंकि सेंटर बंद हैं, तो जो मेरी एडवाइस मैंने दी है कि अंडर उस रेगुलेशन जिसके ऊपर फिर मैं फाइल भी तैयार करता हूँ, सर्विसेज देता हूँ, कि वो फाइल अगर आप साथ लेके जाएंगे तो आपको एंट्री जो है यूके की उस पे वो फैमिली परमिट स्टैम्प करके देंगे। और जो प्रैक्टिकली वो उन्हें नहीं अंदाजा, वो उसको पहली बार उसमें काफी वो परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन आपको वो वापस नहीं भेज सकते अगर आपके पास सारी फाइल और उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन जो हम चाहते हैं लिखे हैं डायरेक्टिव की, तो उनको इजाजत है कि एंट्री पॉइंट पे जाके वो वीजा ले सकें। तो ये होता है फैमिली परमिट। इधर आपको कंट्री से बाहर अप्लाई करना है या इस सूरत हाल में कोविड में जबकि बंद है और आपके राइट्स मुतासर ना होने की वजह से हम उनको लिखते हैं, तो आप अगर यूके के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं तो आपको वापस नहीं किया जाएगा, आपको फैमिली परमिट जो है वो इश्यू किया जाएगा और आप उनके साथ जा सकते हैं। ये फैमिली परमिट का जो क्लियर सवाल है, जो फैमिली परमिट का मेरा ख्याल है, इसमें अगर कोई शक कोई बात ऐसी हो जो अभी तक किसी ने पूछी हो
और हमने जवाब ना दिया हो तो मैं उसका पहले जवाब दे देता हूँ। बेहतरीन जी, आपका व्हाट्सएप नंबर भी नाजरीन के पास मौजूद है और आप हर वक्त उनको जवाबात भी देते रहते हैं, बल्कि लेट नाइट भी मैंने जी देखा है आप जवाबात देते रहते हैं, तो ये जी जी आपकी धंधा पेशानी है। अच्छा, दूसरा बिल्कुल सवाल जो इसी से रिलेटेड है कि जिन लोगों के पास दोनों चीजें ऑप्शन नहीं है, यानी ना ही उनकी कोई फैमिली का रिश्तेदार है उधर यूके में रह रहा और ना ही उनके पास कोई रिलेटिव जो इधर जिसके पास इटालियन पासपोर्ट है, हाँ लेकिन उनके पास कार्ता सजोर्नो जिसे 00 भी कहते हैं, जो फॉर एवर सजोर्नो है, तो क्या उनके लिए कोई ऑप्शन है यूके जाने की 31 दिसंबर से पहले, या जो ये उम्र की 18 से 21 साल की हाथे, ये भी कोई है इसमें थोड़ी सी प्लीज वजाहत कर दें। देखिए, जो लोग जिनके पास कार्ता सजोर्नो है, वो मियाँ बीवी या कोई भी अकलौता बंदा यहाँ पे है, तो उसके पास एक ऑप्शन है एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर का। और वो एक्सटेंडेड फैमिली फैमिली मेंबर, ठीक है, मेंबर उसका जो फैमिली परमिट होगा उसके ऊपर एक्सटेंडेड फैमिली परमिट लिखा जाएगा। और ये जो फैमिली परमिट है, ये आपका सगा भाई बहन, आपकी एज जो है वो 21 से ज्यादा हो गई, आप उनके डिपेंडेंट उस तरीके से नहीं है कि एक घर में माँ बाप के जिस तरह होते हैं, या आपके वालदैन वहां पे हैं, आपके कजन हैं, आपके चचा हैं, ताया हैं। लेकिन इसमें तीन बुनियादी बातें जेहन में रखिएगा। नंबर वन, यूके कहता है कि हम अगर सेटिस्फाई हुए तो इसको देंगे। ये आपका राइट नहीं है, ये बल्कि हमारी मर्जी है कि आप रेगुलेशन के अंडर ये चीजें प्रोवाइड करें। वो चीजें क्या हैं? एक चीज ये है कि आपका रिश्ता जेन्युइन आपने साबित करना है। आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि मेरा फादर है, मेरा भाई है। उनको साबित करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे कुछ ना हो, डीएनए आपने प्रोवाइड करना है। दूसरी बात, अगर वो वहां पे हैं तो वो क्वालिफाइड ट्रीटी राइट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो वहां पे 3 महीनों से ज्यादा अरसे के लिए ऑलरेडी हैं, तो या वो जॉब पे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड हैं, वो स्टूडेंट हैं, वो जॉब सीकर हैं, या वो किसी भी सूरत में वहां पे अभी जॉब सीकर हैं, स्टूडेंट हैं। तो ये चार पांच जो है उनकी कैटेगरी है जिसमें वो होंगे, तो आपको वो बुला सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन बुलाने की, वो जो देखेंगे वो ये है कि क्या वो फाइनेंशियली आपको फंड कर रहे थे शुरू से। आपके सर्कमस्टांसेस आप सिर्फ लिखते हैं जी चार बार उन्होंने किया है और वो आप स्लिप इन लगाते हैं, तो ऐसी सूरत में मोस्टली वीजा रिफ्यूज हो जाता है। उनको आपने डिटेल में बताना है कि आपके सर्कमस्टांसेस शुरू से कमजोर थे, और मेरे बड़े भाई ने, मेरे वालिद ने, मेरी बहन ने मुझे हमेशा स्कूल से लेके इटली तक और इटली से लेके आगे तक वो स्पॉन्सर कर रही हैं, वो फंडिंग कर रही हैं, उसके लिए आपने प्रूफ इकट्ठे करने हैं। और अगर ये ना हो तो एक कंडीशन और रह जाती है जिसको सेटिस्फाई किया जा सकता है, वो ये कि अगर आप फैमिली हाउस में थे, माँ बाप के साथ थे पाकिस्तान में, आप यहाँ आ गए, उनके पास इटालियन पासपोर्ट था, वो आगे चले गए, आप इस घर में उनके साथ रुके जब वो इटालिया से यूके गए। अब आप शुरू से साबित करना है कि आप और उनका एड्रेस एक ही जगह पे था, वो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, कजन हैं, चचा हैं, ताया हैं, ये साबित करना, और उसको डॉक्यूमेंट्री कि उनका भी एड्रेस सेम है, मेरा भी वही है। तो ये तीन चीजें साबित हो जाएं तो 90% चांस है कि डायरेक्ट एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर जो है उसको वीजा मिल जाए। और वो लोग, आखिरी बात, वो लोग जो इटली में हैं और उनके पास इस वक्त इटालियन पासपोर्ट है, और वो किसी अपने 21 साल से ज्यादा बच्चे को लेके जाना चाहते हैं, या भाई के पास है, वो चाहता है कि दूसरे भाई को ले जाए, तो ऐसी सूरत में असूली तौर पे तो उन्हें फैमिली परमिट उसी तरह चाहिए जिस तरह फैमिली मेंबर को चाहिए। वो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर का भी परमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर ऐसी सूरत नहीं है तो उनके लिए ट्राई ये है कि वो एक तो फाइल मुकम्मल बनाएं, दूसरा वो ट्रेवल करें। अगर वो एंट्री बॉर्डर पे पहुंच गए यूके में तो दो उनके साथ मामला होंगे। एक ये होगा कि सेटिस्फेक्शन होने की सूरत में वहां पे उसको रोक के वीजा दे सकते हैं, और दूसरी सूरत ये है कि वो आपको रोक लें और डिटेन कर लें। डिटेन करने की सूरत में फिर वहां पे केस चलेगा, और हमारे बैरिस्टर्स या वकील जो हैं वो उसको हाई कोर्ट में ले जाने की वजह से एंट्री दिलवा देंगे, और केस बाद में चलता रहेगा।
तो ये दो किस्म के काम है, या तो ऑलरेडी उनके पेरेंट्स या वो फैमिली मेंबर यूके में हो, या यहाँ से उनको साथ लेके जाएं, तो अभी भी उनके पास चांस है कि वो प्रूव करें जो मैंने कहा, या अकोमोडेशन हमेशा के लिए उनके साथ थे, या फाइनेंशियल पोजीशन के डिपेंडेंट थे आप और जेन्युइन रिलेशन के साथ, तो ऐसी सूरत में इंशाल्लाह इनका जो है वो काम हो सकता है। लेकिन ये एडवोकेट साहब, ये तो वो लोग हो गए ना जिनके पास कोई है ही नहीं, सिरे से कोई चीज भी नहीं, ये उनके वो पास लोग हैं, ड्राइवर से जो है, तो उनके लिए वीजा लेना जरूरी है यूके का? वीजे लेके वो जाएंगे या वीजे के बगैर भी कोई ऐसी फॉरएवर सजोर है जिस पे जा सकते हैं? देखें जी फॉर एवर सजोर, मैंने कहा कि एक कार्ड होता है ईयू कार्ड, वो मुझे नहीं लगा अभी तक जितने लोगों ने मुझे सजोर हैं फोटो भी भेजे हैं, मैं उनकी देख रहा हूं, उनमें से किसी के पास नहीं है, और नहीं है, शायद इसलिए शायद मोस्टली नहीं, नहीं हाँ है इटली में। मोस्टली इसलिए नहीं है कि उन्हें इस चीज का पता ही नहीं था कि ये जो है उसका राइट उसके क्या है, और ये राइट उसको ब्लू कार्ड भी शायद, ब्लू कार्ड ईयू ब्लू कार्ड, ईयू ब्लू कार्ड भी हो सकता है उसके ऊपर, ईयू चूंकि जब सीयू लिखा जाएगा, यूसी लिखा जाएगा, यूनियन कार्ड, तो वो चलेगा आपको, बगैर पासपोर्ट के आप जा सकते थे। अब चूंकि ये सजोर्स हैं, तो ये सजोर ऐसे ही है जैसे किसी के पास पहली सजोर हो या अनलिमिटेड हो, दोनों सूरतों में उसका जो क्राइटेरिया है वो सेम ही है, कि उसके लिए या तो फैमिली मेंबर उसको लेके जाए फैमिली परमिट पे, या उसका एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर लेके जाए, लेकिन सजोर वालों को डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर वो जाना चाहेंगे यूके, तो आपके पास वीजा के ऑप्शन खुले हैं, आप 31 दिसंबर के बाद भी विजिट कर सकते हैं, वर्क पे जा सकते हैं, उसी तरह जिस तरह बाकी लोग जाएंगे, जो बाकी स्ट्रीम है यूके की आप उनमें क्वालिफाई अगर करते हैं तो आप जा सकेंगे, लेकिन आप ईयू राइट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ये इसमें मेन पॉइंट है। मेरा ख्याल काफी वजाहत में आपने बता दिया। आखिर में एक शॉर्ट मुख्तर सा जवाब आपने बहुत ज्यादा टाइम जो है हमारे नाजरीन को दिया है कि बेशक आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो गाइडनेस है, रहनुमाई है, वो ऑलरेडी फोन पे भी कर रहे हैं, प्रोग्राम में भी कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ ये आपका रोजगार भी है। आप सर्विसेज जो जी प्रदान करते हैं, जो केस पकड़ लेते हैं, जिस केस की आपको समझ लगती है कि ये हो जाएगा, तो उसकी फीस चार्जेस वगैरह भी कुछ उसके बारे में नाजरीन को आगाही दे सकते हैं। जी नाजरीन बिल्कुल, मैं चूंकि पहली बार, चूंकि मैंने इस पे इतनी कोई वर्किंग नहीं की थी, तो मैं आपको ये बता दूं कि यूके में जो हम चार्ज करते हैं यहाँ पे, हम उसका आपको ऑलरेडी 30-40% जो है वो लेस बताते हैं, जो मैंने बताई किसी को फीस, या हम जो चार्ज करेंगे सर्विसेज का, यानी जो पहले लेकिन इटली में लोग ले रहे हैं उनसे आपने 30-40% कम बताई है इटली में रहने वाले। ठीक बताते फीस। और है, आज अभी आपके प्रोग्राम के तवसत से, चूंकि कोविड भी है, हालात भी खराब हैं, और और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इटली हाँ वाले जी जो हाँ बहुत जी, मुझे गरीब पे करें, ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे जिंदा दिल लोग हैं लेकिन इकोनॉमिकली तौर पे बहुत ज्यादा जो है वो मुतासर हैं, पोजीशन नहीं है। बिल्कुल वही मैंने अर्ज किया कि आपके इस प्रोग्राम और आपकी इस गुजारिश और इस पे मैं आपके लिए 50% नहीं 60% मैक्सिमम डिस्काउंट जितना पॉसिबल हो इंशाल्लाह करके, ताकि 31 दिसंबर तक ये लोग मैक्सिमम फायदा उठा लें, जिनका फैमिली परमिट है वो यकीनी जाएंगे इंशाल्लाह, और जिनका एक्सटेंडेड फैमिली परमिट है उनके चांसेस हैं, वो उनकी मर्जी पे है कि वो केस शुरू करना चाहते हैं या नहीं चाहते। बाकी आपको ये मैं अर्ज कर दूं कि मैं चूंकि पोलैंड के लिए काम कर रहा हूँ इस वक्त, क्रोशिया के लिए और मुल्कों के लिए, और इटली से बाहर से लोग मंगवाने थे, लेकिन इटली वालों ने आगे, अब चूंकि यूके जाना है, तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में इस वक्त ये आ गए हैं कि जब तक मैं यूरोप में हूँ मैं इनकी कॉलें भी लूंगा, इनको गाइड भी करूंगा, और जिसका काम हुआ इंशाल्लाह वो भी यहाँ बैठ के करूंगा। वेरी गुड जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।